अब देखो कुछ कैलकुलेशंस ना तुम्हें बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगी, कैसी, जैसे 55 इंटू 65, 65 इंटू 85। जब पीछे 5 का नंबर होता है ना, ये चीज़ जो होती है, जब पीछे 5 का नंबर हो और दो डिजिट के नंबर्स हों, तो हो सकता है तुम्हें ये फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है अपनी कैलकुलेशंस में। अगर ये कैलकुलेशन तुम सिंपल कर दो तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये सिंपल कैलकुलेशन होती कैसे, पहले तो ये समझो। देखो जैसे तुम्हें दिया हुआ है 65 इंटू 85, ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पहले देखते ही पता चल गया 5 5 दिया हुआ है। भैया ने बताया था इनका कुछ सिंपल मेथड होता है, ठीक है, क्या सिंपल मेथड होता है, सबसे पहले इवन ऑड पे बेस होता है। दोनों नंबर क्या है, 6 और 8, इवन है तो जो एफिक्स होगा वो आपका होगा 25। ये याद रखो, एफिक्स का मतलब होता है जो पीछे लगाना होता है, वो है 25। अब करना क्या है, देखो इवन है ना तो 25 है, ठीक है। अब क्या करना क्या है, 8 6 48 लिखा, 48, ठीक है, और 8 6 14, 14 बाय 2 7, इसमें प्लस किया 7, ठीक है, 48 प्लस 7 कितना हो, 48 प्लस 2 50, 55, आंसर हो गया 55 25, ठीक है। अभी तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन वैसे तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की, जैसे जैसे तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कि दो नंबर हैं जिनके पीछे 5 लगा हुआ है, इवन है, तो हार्डली कुछ सेकंड्स के अंदर तुम इसका आंसर बता पाओगे। ये कब है, जब ये जो 25 अफिक्स कब है, अफिक्स मतलब जो आगे लगा है यहाँ वाला, ठीक है, ये कब है, जब ये दोनों नंबर या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, जैसे कि 75 इंटू 95, दोनों क्या है, ऑड है, तो क्या करूँगा, 9 7 63 प्लस 9 प्लस 7 कितना हो गया, 16, 9 प्लस 7 हो गया 16, 16 बाय 2 इज 8, 63 प्लस 8 कितना हो गया, 71 25, इसका आंसर हो जाएगा 7125। अच्छा एक और मेथड देख, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 45 इंटू 65 ही ले लेते हैं, ये समझ लेते हैं, 45 इंटू 65 है, 45 इंटू 85 ले लो, ठीक है, 45 इंटू 85 ले लो, दोनों नंबर क्या है, इवन, दोनों नंबर इवन हो या दोनों ऑड हो तो हमारा अफिक्स क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। तो करना क्या, 8 चौके 32, 8 4 12, 8 4 12 का बाय 2 6, यानी कि 38, 38 25 इज द आंसर, 38 25 का आंसर। अब ये ठीक हो, देखो मान लो कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ 32 हो जाए और जो इन दोनों का सम आए, ठीक है, अब देखो दो इवन नंबर मिलेंगे या दो ऑड नंबर मिलेंगे, सम हमेशा क्या होगा, एक इवन नंबर आएगा, है ना, ऐसे ही होता है ना, जैसे 3 और 7 करूँ तो 10 आता है, 5 प्लस 3 करूँ तो 8 आता है, तो ये तो डिवाइडेड बाय 2 परफेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, 32 प्लस कोई परफेक्ट डिवाइडेड बाय 2 सिंपल हो जाएगा। लेकिन मान लो अब दूसरा मेथड से को, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हल्का सा प्रॉब्लम है, कुछ फ़र्क नहीं है, यहाँ पे क्या था, ये दोनों जो नंबर थे 7 8 7 9 या फिर 4 8, ये क्या थे, दोनों ही इवन थे या फिर दोनों ही ऑड थे। अब एक ऐसा नंबर या तो वो क्या हो, एक इवन है एक ऑड है, जैसे कि 75 इंटू 45, एक क्या है इवन एक क्या है ऑड, इसमें क्या करना है, सिंपल मेथड कुछ नहीं, सेम जो वहाँ कर रहे थे वही, 7 चौके 28 प्लस 7 4 11, 11 बटा 2 कितना हो गया, 5.5, 5.5 में क्या हो गया, डेसिमल पाला छोड़ दो, 5 ले लो, 5, 28 प्लस 5 कितना हो गया, 33। अब जो एफिक्स लगाना होता है वो होता है 75, बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पे एफिक्स 75 लगाना होता है और ये जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको छोड़ना होता है, ठीक है, 75 इंटू 45, ठीक है। तो देखो मेथड समझने में हो सकता है तुम कहो कि मैं जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करता हूँ उससे बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर कैलकुलेट करके देख लो, 10 प्रॉब्लम लिखो ऐसी, ठीक है, ऐसी जो कॉम्बिनेशन वाली 10 प्रॉब्लम लिखो, 10 प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम कैलकुलेट कर लो, उधर से कितना लगता है, इस मेथड से कितना लगता है, तो मैं समझ आ जाएगा कि इसमें कम टाइम लग रहा है। मेरे को लगता है कि एग्जाम में इस मेथड का फायदा ये है कि तुम वो गलती नहीं कराओगे मल्टीप्लाई वाली, क्यों मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि 7 चौके 28 में गलती नहीं होगी, गलती कब होगी, जब कैरी ओवर में मल्टीप्लिकेशन जाएगा, जब 75 इंटू 45 कैरी ओवर में लेके जाओगे तब प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ कोई कैरी ओवर का बड़ी मल्टी, एक तो कैरी ओवर का कोई पंगा नहीं है, दूसरी कोई बड़ी मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, लेट अस सपोज मैं कहता हूँ 95 इंटू 85, ये सबसे बड़े नंबर होंगे जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ये बड़े नंबर है ना, जो 5 5 में अगर देखूँ ये बहुत बड़े नंबर हैं, ये भी होगा कितना, 9 6 72 और 9 प्लस 9 9 18 18 में 1 17, 17 बाय 2 कितना हो गया, 8 80, और क्योंकि ये तो इवन ऑड है तो 75। और देखो अगर जैसे अब स्क्वायर का मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, स्क्वायर की अलग अगर मैं अलग है, क्योंकि स्क्वायरिंग हमारे बहुत होती है इसलिए उसका हम अलग मेथड देखेंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड देख लिए हमने, दोनों नंबर ऑड हो या फिर दोनों नंबर इवन हो, ठीक है, और लास्ट में क्या लगा हो, 5 लगा हो, लास्ट में क्या लगा हो, 5, तो आंसर क्या होता है, 7 और 9 को इंटू करो 63 लिखो, और 7 और 9 को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2 करो 8 लिखो, और दोनों को ऐड करके 71 आ गया, और अफिक्स क्या लगाना है, 25 लगाना है, अफिक्स क्या था, 25 था, ठीक है।
अगर यहाँ पे क्या हो 7 4 हो, इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन चल रहा हो, तो क्या करोगे 7 4 28 सेम चीज जो वहाँ मल्टीप्लाई करी थी, पर फर्क क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे जो हाफ वाला फैक्टर इसको हटा देंगे, ऊपर वाला नंबर ले लेंगे 5, 5 को ऐड करके 33, पर यहाँ अफिक्स क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है।